इस लड़के के पैरों पर बंधी रस्सियों को देखे, देखिए कैसे इस लड़के को ये लोग पकड़े हुए हैं। आखिर माजरा क्या है? दरअसल इस लड़के के ऊपर चढ़ी थी पबजी की खुमारी, और वो भी ऐसी कि घर वालों को इस लड़के के हाथ पैर बांधकर इलाज के लिए हॉस्पिटल लाना पड़ा। बाईस साल का ये लड़का मून पबजी का शौकीन था। इस पर गेम का ऐसा नशा चढ़ गया था कि घर वाले इसी किसी काम के लिए कहते या मना करते तो ये उन्हें ही मारने पीटने दौड़ जाता। ऐसे में इसकी हरकतों से घर वाले भी परेशान हो गए थे। इसी बीच बुधवार की सुबह अचानक रिश्तेदारों से मारपीट करते हुए वो अपना सिर दीवार पर पटकने लगा, जिसमें वो घायल भी हो गया। युवक के परिजनों के मुताबिक वो पिछले कई महीनों से पबजी गेम खेल रहा था। इधर लगातार 3 दिनों से वो गेम हार रहा था, जिसके चलते उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। आपे से बाहर होकर वो हर किसी पर ये कहते हुए हमला कर रहा था कि कोई उसे मारने आ रहा है। फिर वो अचानक दीवार पर अपना सिर पटकने लगता। बाद में परिजनों ने किसी तरह उस पर काबू पाया और हाथ पैर बांधकर आनन फानन में सदर अस्पताल पहुंचाया। बहरहाल इस मामले में लड़के का इलाज कर रहे डॉक्टर की माने तो लड़के की ऐसी हालत पबजी खेलने के कारण हुई है। इलाज जारी है और अभी वो ठीक है। मरीज को ये लोगों ने बोला कि पबजी खेलते अनवांटेड चीज को वो सभी लोगों को मारने लगा, ठीक है, और बिल्कुल अनबिहेवियर हालत ठीक है, सामान्य है, बाहर में है, हाँ सामान्य में है, पहले से जो भी ट्रेनिंग थी वो कम है, जो डिटेन था वो सामान्य हो गया है, थोड़ा टाइम लगेगा अभी खुलेगा। ये इस तरह की कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने इस खेल पर सवाल खड़े किए हैं। 2019 में मुंबई में रहने वाले एक 18 साल के युवक ने अपने परिवार से पबजी खेलने के लिए एक हाईटेक स्मार्टफोन की मांग की थी, लेकिन परिवार वालों ने फोन दिलाने से मना कर दिया। इसके बाद युवक ने आत्महत्या कर ली। वहीं गाजियाबाद का 10वीं का एक छात्र पबजी खेल के चक्कर में अपना घर छोड़कर ही चला गया। तो दिल्ली के वसंतपुर क्षेत्र में पबजी खेलने से मना करने पर एक लड़के ने अपने माँ बाप की हत्या कर दी थी। इस घटना ने एक बार फिर युवाओं में बढ़ रही इंटरनेट और गेम के शौक पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खेल को सिर्फ